सभी भाई वेलकम टू आसाम। थैंक यू भाई, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम भाई, वेलकम टू आसाम। अभी भाई अभी भाई ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निकोड़ी चुलबुली। हेलो हेलो, ए रुको 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 जरा रुको। हेलो 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 जी, कॉन्ग कॉन्ग भाई पहुंच चुके। इनका नाम है योमो हाका। कैसा लगा इश्तियाक भाई पहुंच के आसाम में अब तक? भाई यहाँ पे एकदम फुल ऑन मजा आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा कि भाई लोग से कल ही मिले, बचपन के साथ है। बाकी जो आपका काम चल रहा था म्यूजिक रिगार्डिंग आसाम का, वो चल रहा है ना? हाँ बस चल, अभी मिलने जा रहे हैं एजे शील्ड से। अच्छा, फीमेल रैपर है? फीमेल रैपर, बस फुल फुल गाना आ रहा है एकदम खतरनाक। ज्यादा दिन बचा नहीं है इसलिए फटाफट मतलब फॉलो कर लो कहाँ हम लोग जाते, मीटअप वगैरह सारा डिटेल्स वीडियो में अपलोड नहीं होता है कभी कभी, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। हाँ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, फटाफट सारा कुछ डिटेल्स वहाँ पे आ जाएगा। कंफ्यूजन था जैसे कि इश्तियाक भाई अभी आए थे ना फ्लाइट पे आए थे, तो इनका सुपर बाइक वगैरह में बैठने में थोड़ा दिक्कत था, तो यहाँ पे जो शुरू होगा मेरे ख्याल से आपके साथ बैठेंगे इश्तियाक भाई। आमिर भाई का साथ ही बैठेगा, ऐसा कोई सीन नहीं है कि मतलब सुपर बाइक पे बैठ के मैं तंग हो गया, ऐसा कोई सीन नहीं है। जब मुझे कलकत्ता तक आया भाई यहाँ तक भी आ सकता था। मैं आसाम इसलिए आया क्योंकि यहाँ की मुझे ना थोड़ा नेचर वगैरह के बारे में जानना है, मुझे आसाम के ऊपर गाना बनाना है, इसलिए मतलब थोड़ा मैं रिसर्च वर्च करने आया हूं, खतरनाक सॉन्ग बनाने आ रहा है। खतरनाक सॉन्ग आ रहा है, निकलने से पहले थोड़ा रेसियत झलक रहा है गाड़ी में। देखो भाई साहब, जिंदगी में पहली बार ऐसे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जीवन प्रसन्न हो गया जीवन एकदम। ओ, क्या एडजस्ट बैठा है कैमरा, वो साइड 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 सब अजीब बकचोदी होता है यार जब कैमरा ऑन करता हूँ मैं। वो ले लो दोस्तों, बिल्कुल बच्चा बड़ी से देखा फिर से भाई इतना गाड़ी क्यों आता है भाई। बोल हेलो दोस्तों, बुजुर्ग बच्चे बड़े मेरे फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि दो दिन पहले इश्तियाक भाई आए थे गुवाहाटी में और हम उनसे मिले थे, वीडियो के स्टार्टिंग में हमने वही दिखाया आपको, और आज फाइनली मौका है, दस्तूर आलम हो चुका है कि हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बोंगाईगांव लेने के लिए आमिर भाई और सैमी भाई को। हम लोग यहां से चार पांच राइडर निकल रहे हैं, देखते हैं आज का दिन तबाही होने वाला है, बहुत दिन इंतजार था, वेट करने के बाद फाइनली आज मिलने वाले हैं आमिर भाई और सैमी भाई के साथ। धीरे धीरे करके हमारे साथ राइडर्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन भाई का आज बाइक अलग है, वैसे तो भाई चलाते KTM। Anyway, चश्मा कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, बहुत ही मिशन इम्पॉसिबल वाला चश्मा पहन के आया क्योंकि काफी धूप है। आमिर भाई सभी भाई अभी रात के टाइम में ज्यादा चला रहे बाइक, उस वजह से क्लियर वाइजर लगा कर आए और चश्मा भी लगा कर आए, रात को फटने वाला है तुम्हारा। तो हमारे बाकी के राइडर्स भी पहुंच चुके हैं इधर में, कौन कौन भाई हम लोग पहुंच चुके हैं, बाकी सारा बाइक देखिए आज यामा है, बाकी हम सब गरीब लोग मिलके आमिर को लेने जा रहे हैं। चलो फिर अभी फटाफट निकलते हैं, ऑलरेडी टाइम हो चुका है 2:27, लेट्स गो। This is bloggers life story डाल दिए हैं अभी, इसलिए बोलते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो किया करो ताकि आपको सारा अपडेट मिलता रहे। सो फाइनली गाइस, फाइनली निकल पड़े हैं हमारी मंजिल की ओर, और जो मंजिल होगा आज वो होगा हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स बायहटा, बायहटा से हम लोग जाएंगे टुवर्ड्स नलबारी होके रंगिया नलबारी, देन वी विल हेड टुवर्ड्स बरपेटा रोड, एंड मे बी उससे भी आगे जाएंगे टुवर्ड्स बिजनी बोंगाईगांव। तो देखते हैं कहाँ पे जाके हम लोग रुकते हैं, वेट करते हैं बाकी के भाई लोगों के लिए। आगे बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा कंप्लीट गैंग है यामा का गैंग, और यहाँ पे आएंगे भाई को अपना टायर में एयर प्रेशर चेक करवाना है। तो हवा डालने का कार्यक्रम सारा खत्म हो चुका है, इधर में हमारे जो हवा डालने वाले भाई साहब थे बोले कि नहीं चाहिए पैसे वैसे, आप चले जाओ हमारे तरफ से तोहफा जो है कबूल कर लो। ठीक है भाई साहब, बिना किसी झिझक के कबूल कर लिए है तोहफा, वो भी बिना झुके हुए, भाई हवा के बदले फोटो ले रहे हैं, ले लो। तो हाईवे पहुंच चुके हैं गाइस, और ये देखने को मिल गया है वोल्वो का X90D5 बोल के गाड़ी, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ जीवन में। तो इसका पावर फिगर्स वगैरह प्राइस वगैरह मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन गाड़ी देखने में बहुत ही धांसू लग रहा है। इनकेस यू गाइस नो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बाकी धमाकेदार और तूफानी वाला राइड जो है चालू हो चुका है, काफी जोश है उमंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। स्पीड ब्रेकर कुछ दिन पहले से जो मैं बता रहा था गाइस कि हम लोग का आसाम राइड शुरू होने वाला है, तो फाइनली आज ऑफिशियली आसाम राइड जो स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि अभी हम जा रहे टुवर्ड्स लोअर आसाम, क्योंकि मानस बोरपेटा बोंगाईगांव, तो इस साइड का जो राइड है आज कंप्लीट हो जाएगा, और शायद से कल मानस में या फिर बोरपेटा में होने वाला है बड़ा सा मीटअप, उसके बाद फिर वहां से हम लोग वापस ही आएंगे टुवर्ड्स गुवाहाटी। घर से निकल भी चुके थे हम लोग 12:30 बजे, बट फिर वहां से फिर कॉल आता है कि आमिर भाई लोगों का, वो लोग निकले ही नहीं, 1 बजे निकलने का प्लान था भाई लोग का, लेकिन अभी तक वो लोग निकले ही नहीं, और तकरीबन सिल्लीगुड़ी से
लगभग बंगाईगांव पहुंचते पहुंचते ये लोग को अगर रुक रुक के भी आएंगे तो मिनिमम आई गेस 5 आवर्स लगने वाला है। और भाई लोगों का वेलकम के लिए हमने गामूसा ले लिया है, एसएमएस ट्रेडिशनल गामूसा जो है हम लोग का। चलो यहाँ पे रोकते हैं क्योंकि बाकी के भाई लोगों को खबर नहीं आता और पता कुछ भी नहीं है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत इंतजार किया और इसी इंतजार के दौरान हमारा वीडियो लाइव हो गया। तो 3 बजे का शेड्यूल टाइम लगा के रखे थे, इनकेस देखा नहीं तो लास्ट वीडियो जरूर देखना क्योंकि बहुत ही ज्यादा मतलब बहुत ही भयंकर वाला इंस्पिरेशनल ब्लॉग है। वो ब्लॉग देख के आपको एकदम धमाके वाला जोश चढ़ जाएगा। तो पहुंच चुके हैं चांगशारी टोल प्लाजा में और ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है। अगर सरकार की तरफ से रूल निकलता है डबल हेलमेट का और पुलिस वाले उस रूल को फॉलो करते तो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से अच्छा लगता है। तो सैल्यूट टू दिस पुलिस वाले। आजू बाजू से निकल के जा रहे भाई साहब लोग, आज घर से सोच के निकले थे कि पेलम पुला ज़्यादा नहीं करेंगे, आराम से जाएंगे, पर इस तरह से आजू बाजू से निकल के चढ़ाओगे तो मन तो हमें भी करेगा, है कि नहीं। हमारा गोप्रो जो है बहुत दिनों के बाद हैंग मार दिया था हाईवे पर, उसके चलते रनिंग में ही हमने हैंग को हटा लिया है। गुड जॉब डन भाई कंगन भाई। रास्ते में बोतल गिरा हुआ था, भाई ने उनको पांडा कर दिया। जब होता है लाउड पाइप तब बाइकर्स ऐसे ही बातचीत करते हैं, फिर भी सुनाई नहीं देता। एक बोलता है दिसंबर में रोड ट्रिप करेंगे, दूसरा वाला सुनता है अच्छा शादी कर रहे हैं। झूम बराबर झूम कर करके फिलहाल पहुंच चुके हैं परिणीता रेस्टोरेंट जो कि है नलबारी के काफी नजदीक में। हम लोग हाफ वे पहुंच चुके हैं, यहाँ से ज्यादा दूर है नहीं, लगभग 100 किलोमीटर और बाकी है। और यहाँ से पाठशाला में भी हमारे लिए वेट कर रहे हैं मीनाल भाई, वहाँ पे केक वगैरह सारा कुछ जो बंदोबस्त करके रखे है। मेरे लिए कुछ लेके आना, मिठाई विठाई नहीं चाहिए, समोसा अगर प्याजी तो कचौड़ी नहीं तो समोसा लेके आना। तो हम लोग यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पीकर डकार मार रहे हैं, ये लोग का खाना देखो पहुंच चुका ऑलरेडी। भाई किसको ऑर्डर करके आए थे तुम? दुकानदार को ऑर्डर किया था, पार्किंग वाले भाई को ऑर्डर करके आए। समोसा जो आया है पहले से थोड़ा किसी ने खा के दिया है, वेल एंड गुड, किसी का बहुत भूख लगा था शायद। ऊपर से देखिए समोसा ऊपर से उड़ा हुआ है। सो गाइस भाई लोगों का पेट पूजा हो गया, हमारा भी थोड़ा बहुत पेट पूजा हो गया है और वहाँ आगे हो रहा है सनसेट, काफी गजब वाला व्यू मिल रहा है। और साथ में हमारे जामिल भाई काफी लेट से पहुंच चुके हैं, ब्यूटीफुल सनसेट। अभी नलबारी में एक नया सा ब्रिज बन रहा है, आज ही देखने को मिला है, बहुत तरक्की कर रहा है आसाम, जान के दिल से सुकून वाला फीलिंग आता है। भाई गाड़ी देखो भाई जमील भाई का, पूरा निब्बा प्रो मैक्स, अंदर और बाहर दोनों तरफ लाइट। पहुंच चुके हैं बेनो नोमाया चर्च, काफी फेमस है बोरोमा में। तो जैसा गाइस बोल रहा था कि मीनाल भाई से मिलने वाले, लेकिन पाठशाला पहुंचने से पहले ही भाई मिल गए हमें टिहू चौक में। तो ये रहा भाई का बाइक डोमिनर, जिसको भाई ने रैप करवाया हाल ही में, ये देखिए गाइस ब्यूटीफुली डन। और ये रैपिंग का काम हुआ है ऑटो रैप्स में, और इसी ऑटो रैप्स में आमिर भाई और सैमी भाई दोनों को लेके जाना है कि उनका बाइक का भी रैप वहीं पे होने वाला है। बोंगाईगांव फिलहाल के लिए कैंसिल हो गया, हम लोग जा रहे टुवर्ड्स बिजनी, वहीं पे जाके इंतजार करेंगे भाई लोगों का। सो गाइस फिर से फाइनली बैक ऑन रोड, और अभी अभी कॉल आया था आमिर भाई का, तो ये लोग ऑलरेडी आसाम एंटर कर चुके हैं। सो अभी फटाफट हम लोग पहुंचते हैं जाके बिजनी का टोल गेट। और जितने भी सारे राइडर्स हम लोग आए हैं सबका एक बढ़िया सा रिदम बना हुआ है, और जब ये रिदम सेट हो जाता है ना राइड के दौरान तब राइड करके ज़्यादा मजा आता है। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मीटअप लोकेशन पे। तो ग्लास ना होने का नतीजा देखिए, आग दिखाइए, ये है हालत, और हमारा तो चमक रहा है बॉस। आपका लाइव लोकेशन मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, हम एक जगह पे रुका है आप लोग के लिए। तो फाइनली गाइस आमिर भाई और सैमी भाई दोनों आ चुके हैं अभी जस्ट नाउ। सैमी भाई वेलकम टू असम। थैंक यू भाई, थैंक यू। रात को 10 बज रहे हैं, 10:30 बज रहे हैं, फिर भी वेट कर रहे थे भाई लोग। हां वेट कर रहे, बहुत टाइम हो गया वेट। वेलकम भाई, वेलकम टू असम। अभी भाई पीछे जा रहे हैं भाई, भाई साहब एक एक थ्रोटल में ट्विस्ट किए और गायब हो गए भाई। हाँ हेलो, मैं वीडियो बना रहा था तब। हाँ अभी क्या वो रिजोर्ट में जाना है, डायरेक्ट मानस में जाना है, इश्तियाक भाई को लेना है वो, आप उसके बाद आगे जाना। भाई तुम लोग सब लोग छोड़ के आ गए, सब्सक्राइबर मेरा भी था फोटो लेने के लिए बोला, मैं देखता हूँ आगे कोई नहीं है, सब लोग चले गए।
ओ भाई तुमको भी सुपर बाइक लेके ट्रिप करना है ना, ऐसा हाल हो जाएगा भाई, बोल रहा हूँ मैं। ज्यादा रुकने से ये हो जाता है, हाँ एनर्जी खत्म हो जाता है रुकने से। जो भगाया तेल सारा पूरा गायब हो गया मेरा एकदम। इट्स नॉट ए इजी थिंग गाइस सुपर बाइक में रोड ट्रिप करना। मेरे को तो पहचान है, सिराज खान। सिराज खान हाँ, गाड़ी में भाई आपका नाम भी याद कर लिया। तो अस्सलाम वालेकुम, हमारी तरफ से फिर से मुलाकात हो चुका है। आपके लिए मेरे बैग में एक सामान है, गामुसा है, उस दिन देना भूल गया था मैं, आज दे दूंगा मैं, आज दे दूंगा। सो गाइस यहाँ पे भी थोड़ा बहुत स्नैक का टाइम हो चुका है कम्प्लीट। और ये देखिए यहाँ पे ट्रेनर टोक्यो हमारे सैमी भाई का, थोड़ा गंदा है अभी, बट एनीवेज रोड ट्रिप पे निकलोगे तो थोड़ा बहुत गंदा तो होगा ही, ब्यूटीफुल। बाकी वहाँ पे आमिर भाई का भी है Z900 वाला, आमिर भाई का ड्रैगन भी है यहाँ पर। अभी फटाफट निकलते हैं, बहुत लेट हो चुका है, टाइम अभी हो चुका है फिलहाल 11:30, फटाफट पहुँचते। बहुत मुशक्कतों के बाद अभी फाइनली पहुंचने वाले एक दो जगह, हम लोग रास्ता भी भूल गए थे, फिर उधर भटक गए थे एकदम। हाय आमिर भाई और सैमी भाई को मिल चुका है असमी गामुसा, अभी अभी बाकी है इश्तियाक भाई का गामुसा देने का बाकी है। ऐसे मैंने मोटो ग्रुप में बताया कि इश्तियाक भाई को भी मिलेगा। वेलकम टू असम, वेलकम टू असम। यो गाइस तो गाइस आसाम घुसते देखिए, ये सब गामुसा अभी तो शुरुआत है, मतलब आगे आगे क्या होगा देखते रहिए। तो गाइस कुछ इस तरह का था आज का ब्लॉग गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। बहुत ही एनर्जेटिक ताबड़तोड़ वाला ब्लॉग था आज का, सुपर बाइकर वाला ब्लॉग था। बाकी जो वेलकम मिला है अमीर भाई को और सैमी भाई को, भाई लोग बहुत ही खुश है अभी जाके मिल के आए। बाकी कल था मीटअप का प्लान, बट कल नहीं परसों होगा मेरे ख्याल से। कल यहाँ पे साइट सीइंग होगा, जंगल सफारी होगा मानस का, बाकी उसके बाद मीटअप 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 गुवाहाटी गुवाहाटी अपार असम और क्या क्या पता नहीं क्या क्या है। उसके लिए चैनल पे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब बटन जो है दबा दीजिए, बाकी मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में फटाक से। चलिए बाय बाय, चलिए बाय बाय।